प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आज तड़के वॉशिंगटन का रुख किया। वॉशिंगटन प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आज व्यापार समुदाय के प्रतिनिधियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी और दोनों नेता व्हाइट हाउस में एक साथ डिनर भी करेंगे। यह पहली बार होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ डिनर करेंगे। इस डिनर को वर्किंग डिनर कहा जा रहा है। इस डिनर के साथ ही तमाम मुद्दों पर ट्रंप और मोदी के बीच अहम बातचीत होगी। डिनर से पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच करीब एक घंटे तक भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर लंबी चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ आतंकवाद और H-1B वीज़ा जैसे अहम मसलों पर बातचीत होने की उम्मीद है। इसके साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, भारतीय सेना को मॉडर्न बनाना और सिविल न्यूक्लियर डील जैसे मुद्दे भी प्रधानमंत्री की सूची में शामिल हैं। ट्रंप के भारतीय राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात होगी। इस दौरान वॉशिंगटन में भारतीय राजदूत नवतेज सरना एक कार्यक्रम की मेज़बानी भी करेंगे, जिसमें भारतीय समुदाय के करीब 600 लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 27 जून को नेदरलैंड्स पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने समकक्ष मार्क रुट्टे से मुलाकात करेंगे। साथ ही सम्राट विलियम अलेक्जेंडर से भेंट भी प्रधानमंत्री की होगी।